सबसे बड़ी अपडेट सलार की ये है कि अर्ली मॉर्निंग 6 AM और नाइट 1 AM का शोज अलॉट हो गया है इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बॉस 3 मूवीज चल रही है साथ में, एनिमल डंकी और सलार, तो शोज तो लगने ही थे। फुल ऑन कंपटीशन चालू है साउथ की तरफ स्क्रीन को लेकर। इतना ही नहीं, ऑलमोस्ट 8 लाख, एग्जैक्ट फिगर है 798 लाख बुक माई इंटरेस्ट ऑलरेडी मार्क हो गया है सलार का, और ये नंबर्स कम से कम 1 मिलियन हिट कर सकती है, क्योंकि अब भी 10 दिन बाकी है मूवी रिलीज होने में। IMDb रेटिंग्स पर सलार ने तो झंडे गाड़ा है विद 35%, और सेकेंड नंबर पर है डंकी विद 26%, और बॉस फाइटर का भी है 14%। तो इससे साफ मालूम पड़ रहा है कि जब फाइटर आएगा तो वो डंकी और सलार के साथ अच्छा खासा चलने वाला है। अब एडवांस बुकिंग में अच्छा खासा जंप देखने मिला है सलार का। सिर्फ USA से आया है $6,75,000, UK से आया है $1,80,000, ऑस्ट्रेलिया से आया है $85,000, और गल्फ से हो गया है $40,000, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो गया है $50,000। तो बॉस ये सब मिलाकर 1 मिलियन+ डॉलर्स हो गया है एडवांस बुकिंग का। ये प्रीमियर प्लस डे वन के नंबर्स है, तो इंडियन नंबर्स से बनता है 8 करोड़+ फॉर डे वन श्योर फ्रॉम ओवरसीज। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अगर 40 करोड़ तक करता है एडवांस बुकिंग फ्रॉम ओवरसीज, तो इजिली बाहुबली 2 का 65 करोड़ का एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड टूट जाएगा, और ऐसा पॉसिबल है बॉस, क्योंकि अब भी सलार का ट्रेलर 2 आना बाकी है, इसके बाद उसका और हाइप बढ़ेगा। पर इतना तो श्योर है कि सलार यानी कि प्रभास तो कम से कम लाएंगे 50 करोड़ फ्रॉम ओवरसीज, ये आप लिख के ले लो। तो मेरा टारगेट है मिनिमम 150 करोड़ ओपनिंग फॉर डे वन। अब तक इंडिया में एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, एक बार एडवांस बुकिंग यहां स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद डायनासोर को रोकना आसान नहीं होगा। तो कम से कम 150 करोड़ तो पक्का है ओपनिंग डे पर मैं देखना चाहती हूँ 200 करोड़ ओपनर, क्योंकि सलार का हाइप ऑलमोस्ट 2 साल से है जब से ये अनाउंस हुआ था। अब डंकी और सलार की कंपैरिजन में बात करते हैं कि कौन आगे चल रहा है, तो इसका डेटा एकदम क्लियर है। तो डंकी ने सिर्फ 4 दिनों में $1,30,000 का टिकट ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है, और सलार का जैसे मैंने कहा कि $6,75,000 हो गया है। डंकी का प्रीमियर नहीं है तो उसका सिर्फ डे वन के फिगर्स है, और सलार का प्रीमियर प्लस डे वन के फिगर्स है, जो काफी अच्छे है। ये बात सही है कि सलार का एडवांस बुकिंग बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, पहले शुरू हुआ अगस्त में, फिर उसको रोका गया, और अब 1.5 महीने से चालू है। तो डंकी को इजी नहीं होगा सलार को बीट करने USA की एडवांस बुकिंग में, क्योंकि उसका एडवांस बुकिंग बस 3 दिन पहले शुरू हुआ है। देखिए मुझे काफी फैंस गाली देते हैं, लेकिन जो नंबर्स आते हैं वो मैं एज इट इज प्रेजेंट करती हूँ। ये बात सही है कि डंकी का जो पेस पकड़ा है वो पेस अनबिलीवेबल है, इट इज मोर देन जवान एंड पठान, तो इट इज वेरी गुड फॉर अ क्लासिकल मूवी। अब UAE और जर्मनी में तो डंकी लीड कर रहा है एज कम्पेयर टू सलार, जैसे मैंने कहा कि इसके अच्छे पेस में एडवांस बुकिंग चल रहा है। इनफैक्ट मैं खुद हैरान हूँ कि इतना अच्छा पेस पकड़ा है डंकी ने, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, UAE एंड जर्मनी, विच इज अनबिलीवेबल। ये सोचने वाली बात है कि डंकी के मेकर ने एडवांस बुकिंग इतना लेट क्यों शुरू किया। अब दूसरी बात, जो कलेक्शन आया है उससे साफ मालूम पड़ रहा है कि सलार का हाईएस्ट ओपनर होगा फॉर डे वन, बट डंकी का पूरा चांसेस है कि लास्ट के 4 या 3 डेज में वो पठान का ओपनिंग डे रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। अब जवान का टूटता है या नहीं वो देखना होगा, लेकिन पठान का टूट सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो बॉस इंडियन सिनेमा के 2 मैसिव फैन फॉलोइंग स्टार्स टकरा रहे हैं, तो साइक्लोन तो आना ही है, रिकॉर्ड्स तो तबाह होगा। कोई मजाल है कि और उस टाइम पर कोई मूवी रिलीज हो। शेर और डायनासोर का क्लैश बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है जब से डंकी का पेस चल रहा है एडवांस बुकिंग में। क्या सलार रोकेगा या डंकी रोकेगा, कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, और वो घंटी दबाना मत भूलना ताकि मेरे वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।